जम्मू में और बाहर से लोगों को लेके आओ, यहाँ पर उन्हें बसाओ और अपने घर लुटवाओ। जम्मू शहर में दिन दिहाड़े चोरियों के मामले सामने आ रहे हैं और आज भी सुबह सुबह ऐसा ही देखने को मिला कि मक्का मस्जिद बठिंडी से एक गाड़ी जो है चोरी होती है। नायब तहसीलदार की ये गाड़ी थी और I-20 गाड़ी थी, वहां से चोर इस गाड़ी को लेकर जो है नीचे की ओर आता है और छन्नी पॉली हिल छन्नी में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर वो डायरेक्ट जो है इस दीवार को हिट करके अंदर चला जाता है। इस दीवार की भी खस्ता हालत हो चुकी है, इस दीवार को तोड़कर वो अंदर जाता है। हालांकि पुलिस ने अभी वो गाड़ी अपने कब्जे में ले ली है, बठिंडी पुलिस स्टेशन में वो गाड़ी है। यहाँ पर आप ये एक खंभा देख सकते हैं जिस पर स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं। ये खंभा भी टूटा हुआ है और ये दीवार भी टूटी हुई है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जम्मू शहर में इस तरह की चोरियाँ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्राइम रेट जो हमारे जम्मू शहर का है वो बढ़ता जा रहा है। और पॉली हिल छन्नी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चोर उस गाड़ी को लेकर आता है और इस दीवार को फांद कर जो है वो उस तरफ जाता है। शायद वो जल्दबाजी में था, उसे पता नहीं चला कि मुझे किस तरफ जाना है और गाड़ी स्पीड में थी और इसी कारण ये गाड़ी बची भी। अदरवाइज वो अगर यहाँ पर इस दीवार के साथ वो गाड़ी हिट नहीं होती तो शायद वो गाड़ी लेकर फरार हो जाता। लेकिन मसला ये हुआ कि यहाँ पर गाड़ी जो है वो अंदर लेकर चला गया, इस दीवार फांद कर जो है वो गाड़ी लेकर अंदर चला गया। उसके बाद पुलिस को पता चली, पुलिस ने फिलहाल उस गाड़ी को अपनी हिरासत में रखा है। वहाँ की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इसके बाद सीधा आपको बठिंडी पुलिस स्टेशन ले चलते हैं और वहाँ की तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कौन सी गाड़ी थी और क्या उस चोर को पुलिस ने हिरासत में लिया है या नहीं। जम्मू में और बाहर से लोगों को लेके आओ, यहाँ पर उन्हें बसाओ और अपने घर लुटवाओ। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार जम्मू शहर में जो है चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम पुलिस स्टेशन बठिंडी के बाहर मौजूद हैं। पहले ही आपको कुछ तस्वीरें दिखाई कि एक गाड़ी को किस तरह से मक्का मस्जिद से चुराया जाता है, एक दीवार को हिट करने की वजह से जो है वो गाड़ी बच जाती है चोर के हाथ से। और अभी वो गाड़ी भी यहीं पर पुलिस स्टेशन में मौजूद है। सफीर अहमद चौधरी साहब यहाँ पर आ पहुंचे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है, ये गाड़ी कहाँ पर थी, कहाँ से चोर ने इसे चुराने की कोशिश की। सफीर साहब, कहाँ पे ये गाड़ी थी और क्या उस चोर को पुलिस ने पकड़ा है या नहीं? देखिए ब्रदर है मेरे सज्जाद साहब जी, नायब तहसीलदार हैं वो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पोस्टिंग वगैरह बढ़वाल में। सुबह वो नमाज के लिए आते हैं अपने बेटे के साथ मस्जिद में, यहाँ पर जामा मस्जिद आपको पता है बठिंडी चौक में, वहाँ पर मस्जिद जाते हैं और वो नमाज के बाद इमीडिएट क्या होता है वहाँ पर कुरान खानी होती है, लोग बैठ के सुनते हैं, कुरान की तफसीर वगैरह बयान की जाती है वहाँ पर। तो वो दोनों वहाँ बेटा चले गए अंदर जाके नमाज पढ़ी, उसके बाद बैठ गए। ये लगभग 6:15 बजे आजान होती है, 6:30 बजे नमाज होती है, तो 6:30 बजे के बाद आधा घंटा वो लगभग बैठे रहे। तो 7 बजे के आसपास उनका बेटा आगे निकल के आया कि भैया पापा भी आ रहे हैं तो अब घर के लिए निकलते हैं। तो उसने गाड़ी को की जैसे प्रेस की गाड़ी खोलने के लिए, तो इतनी देर में बंदा खड़ा था पहले से ताक लगा के, उसने उसके हाथ से गाड़ी की चाबी छीन ली। मतलब ये इस तरह का ड्रामेटिक जो पहली बार जम्मू के अंदर सुनने में आया, लोगों ने गाड़ियां चुराई भी हैं, चोरियां भी हुई हैं, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं हुआ कि किसी के हाथ से कुछ लेके भागना। तो चाबी चुराई वहां से, जितनी देर में वो पीछे हल्ला गुला करते कभी गाड़ी लेके चाबी लेके ये वो, इतनी देर में जब तक बाकी लोग बाहर से अंदर आते, क्योंकि मस्जिद का रोड का थोड़ा डिस्टेंस है, जब तक लोग बाकी के बाहर है तब तक उस बंदे ने गाड़ी स्टार्ट किया और वो निकल गया। दो लोग थे, उनको बाइक से मतलब फॉलो भी किया जा रहा था, मतलब वो पूरी प्लानिंग, हाँ पूरी प्लानिंग करके आए थे, दो लोग पीछे उनको बाइक पर फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने गाड़ी यहाँ से निकाली, लेके उस नीचे वाली गली से गए, आपने वहाँ के भी शॉट्स लिए हैं, जगह देखी है आपने, वो टूटा है वहाँ पर, दीवार टूटी है, पोल टूटा है वहाँ पर, किस स्पीड से वो जा रहा होगा कि सिमटी पोल है इतना बड़ा, वो पोल तोड़ के फिर दीवार के साथ। अगर हम बठिंडी की बात करें, इस इलाके में चोरियों के वारदात जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, रीजन क्या है? देखिए इसकी मैं बताऊं, जो रीजन जब से मैं मतलब इस पर बहुत बार पहले भी आपके साथ इंटरव्यू कर चुका हूं कि जो जब से चल रहा है ना 20 लाख लोग 50 लाख लोग इतने लोग बाहर से लेके आएंगे वोटरों के लिए, ये सारी की सारी मुसीबत जो जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, इसको यूपी बिहार की तरह बनाया जा रहा है। हमारी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि भाई ये कभी हमारे जम्मू शहर के अंदर मंदिरों का शहर है, इस शहर के अंदर जो है कभी चप्पल तक किसी की चोरी नहीं हुई, आज वहाँ पर हालत यह है कि लोग हाथों में हाथों से चीजों को लेके भाग रहे हैं। सामने सामने वहाँ पर 200 लोग कम से कम नमाज पढ़ते हैं, 200 लोगों के बीच में से गाड़ी लेके अगर गए तो हमें इस चीज़ का भी शक और वहम है कि हो सकता है कि ये कोई मिलिटेंसी वारदात देने के लिए इन्होंने गाड़ी चुराई। वहाँ पर गाड़ी क्यों चाहिए थी इनको, गाड़ी चोरी करने के तो और भी थे भाई, और भी गाड़ियां पड़ी थी, यही गाड़ी क्यों चोरी करनी थी उनको और हाथ से चाबी क्यों लेके जानी थी? सुबह सुबह का टाइम था और जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर जाके गाड़ी लगी है, उसके बिल्कुल सामने जो आर्मी की दीवार है, आर्मी की वाल है। हमें, मैं ये समझने में थोड़ा असमर्थ हूँ कि क्या वो आर्मी की दीवार तोड़ के वहां पर कोई अटैक करने वाले थे या क्या मामला था, इसकी जो है तय तक कार्रवाई की जाए, पुलिस की कार्रवाई कहां तक, इन लोगों को ढूंढा जाए। अभी पुलिस वालों से हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन जहां तक सुबह का रहा, सुबह का जो एपिसोड रहा वो अप्रिशिएबल है पुलिस का, उन्होंने ठीक रहा टाइम से, उन्होंने वायरस मैसेज कर दिया, पुलिस भी निकल गई, उनका पीछा हो रहा था तभी उन्होंने जल्दबाजी में गाड़ी मारी है वहां पर, ये तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बाद वो लोग फरार हैं अभी तक,
गाड़ी वहां पर से वापस आ गई, वो दीवार भी चढ़ जाएगी, गाड़ी भी बन जाएगी, लेकिन जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे तो हमें क्या पता रहेगा कि आगे क्या होने वाला है। ये लोग कोई आर्मी पर अटैक करने वाले थे, कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से थे, या कोई ये कोई नशे के तस्कर थे, कि वो क्या क्या जरूरत थी इनको कि गाड़ी चुराई करके कहां भागने वाले थे, किसी गाड़ी यूज में ला के ये कौन सा क्राइम करने वाले थे। ये बहुत बड़ी बात है जिसके लिए मैं कहना चाहूंगा आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसका तय तक जाके इसकी पूरी कार्रवाई की जाए और उन बंदों को जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए, जहां कहीं सीसीटीवी है वहां से सीसीटीवी से फुटेज निकाली जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और इनको पब्लिक के सामने लाया जाए कौन लोग थे, क्या वाकई में चोर ही थे या कुछ और भी था इनका, चोरी के साथ साथ में इनका क्या था। तो ये हम चाहेंगे कि आपकी साथ से ये इसके ऊपर कार्रवाई इस तरीके से होनी चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तर जानकारी जो है वो आप तक तफसील से पहुंचाने की कोशिश की, जिस तरह से एक नायब तहसीलदार की गाड़ी जो है मक्का मस्जिद से चुराई जाती है और पॉली हिल छन्नी में जो है वहाँ पर एक दीवार के साथ हिट होने की वजह से गाड़ी वहाँ पर जो है वो अंदर चली जाती है, दीवार के अंदर चली जाती है, लेकिन चोर अभी तक जो है वो मौका से फिरार है। फिलहाल गाड़ी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, पुलिस स्टेशन बठिंडी में इस वक्त वो गाड़ी जो है वो मौजूद है। देखने वाली बात तो ये होगी कि पुलिस इंतजामिया की जानिब से अब उन चोरों को पकड़ने में किस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। आपकी क्या राय है अभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर छोड़े के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।